हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज की न्यूज आई है वो ये यूनिफॉर्म रोड टैक्स के बारे में। तो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि बिग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी मीटिंग हुई थी और उसके दौरान ये प्रपोजल सामने आया कि भाई जो रोड टैक्स होता है सभी स्टेट में अलग होता है, उसको एक इक्वल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार ऐसा सामने आता है कि कुछ स्टेट में टैक्स काफी कम होता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, गाड़ी वहां से खरीद लेते हैं, फिर उनको दूसरे स्टेट में यूज वगैरह करते हैं। तो इससे जो दूसरे स्टेट होते हैं उनको कई बार रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। तो एक तरीके से काफी इसमें असंदिग्धता भी रहती है कि एक स्टेट में ज्यादा टैक्स है, एक में कम है। तो अभी आपको पता है कि वन नेशन वन टैक्स की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसके तहत ये प्रावधान करने की बात की जा रही है। अभी के लिए प्रपोजल है, तो बस इसके बारे में कुछ कंटेक्स यही था। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखने कि सभी स्टेट में जो टैक्स वगैरह है, रोड टैक्स है, वो अभी इक्वल किया जाएगा ताकि गाड़ी वगैरह की जो प्राइस है हर गाड़ी की, उसमें कोई इश्यूज वगैरह ना हो, सभी स्टेट में इक्वल रहे। अगली न्यूज देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में। कंटेक्स कुछ ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता में डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, उसका निर्माण अभी किया है रिसेंटली। अब एम क्या है इस बॉडी का, वो हम देख लेते हैं। इस कमेटी का देखो मेन काम ये है कि हमारे देश में जब इमरजेंसी में कई बार सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाए, मतलब कोई अचानक कोई सिक्योरिटी चैलेंज आ जाए, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए, उस कंडीशन में हमारे देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरीके से उनसे निपटेंगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो होना चाहिए ना। उस प्लान को फिक्स करने के लिए कि भाई हमें किस किस से कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है, वो सारा काम इस कमेटी के थ्रू किया जाएगा। ये इसका मेन मोटो है कि भाई सडनली कुछ भी हो गया सिक्योरिटी चैलेंजेस, उनसे कैसे निपटना है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए, एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए आर्मी का, ताकि हम उससे डील कर सकें। अब इसके मेंबर कौन कौन होंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। इसके मेंबर होंगे, एक तो होंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके साथ ही होंगे फॉरेन सेक्रेटरी, इसके साथ ही होंगे चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके साथ ही आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स के चीफ हैं वो तीनों चीफ, इसके साथ ही सेक्रेटरी, कौन से सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर की, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की तो सेक्रेटरी है वो, तो ये इसके चेयरपर्सन, सॉरी ये इसके मेंबर होंगे। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नॉर्मली इसके जो चेयरमैन है वो होंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बट अगर ये जो इसके मेंबर है, अगर ये चाहें तो आपस में किसी दूसरे को भी चेयरपर्सन है वो चूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या केवल ही चेयरपर्सन होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से भी किसी को चेयरपर्सन है वो आपस में चूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आई है एक्चुअली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके खिलाफ एक्चुअली महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात है, नोटिस है वो दिया गया है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पूरी प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पहली बार किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात है यहाँ पे की जा रही है। अभी देखो तो प्रक्रिया तो खैर स्टार्ट नहीं होगी, उसके पहले काफी लंबी प्रोसीजर होती है, पर एक बार हम देख लेते हैं क्या प्रक्रिया वगैरह होती है। सबसे पहले हम एक बार कार्यकाल देख लेते हैं जो कि यूपीएससी की बार पूछ लेती है। तो राष्ट्रपति, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कार्यकाल होता है वो होता है 65 ईयर। अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली राष्ट्रपति है, वो इनको अपॉइंट करते हैं। अब इनके इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो सुप्रीम कोर्ट के जो की महाभियोग की प्रक्रिया है, वो एक्चुअली संविधान के आर्टिकल 124 का जो चौथा पार्ट है उसके तहत है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि या तो राज्यसभा के जो 50 सांसद हैं वो रिटर्न में साइन करके नोटिस दे, अपने स्पीकर को, अपने हेड को नोटिस है वो दें, मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनको नोटिस दें। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या लोकसभा के अंदर है वो 100 सांसद हैं वो आपस में मिलकर साइन करके नोटिस है वो स्पीकर को प्रोवाइड करें, मतलब दोनों जो लोकसभा है राज्यसभा दोनों में भी कहीं से भी स्टार्ट हो किया सकता है। अगर राज्यसभा से करनी है तो 50 सांसद हैं उनको नोटिस देना होगा रिटर्न में, या फिर इसके बाद लोकसभा से करनी है तो 100 सांसदों को नोटिस है वो देना होगा स्पीकर को, ये मेनली स्टार्टिंग होती है। इसके बाद में स्पीकर या जो चेयरपर्सन होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनके प्रपोजल को स्वीकार करें या ना करें। अब इसके बाद क्या होता है, अगर स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि स्पीकर ने स्वीकार कर लिया लोकसभा में, या फिर यहाँ पे वेंकट नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति, उन्होंने स्वीकार कर लिया राज्यसभा में, इसके बाद क्या होगा, 3 सदस्यों की कमेटी वो बनाई जाएगी किसी एक में। देखो हमें ध्यान रखना है कि प्रस्ताव को पास करवाना होता है, एक बार नोटिस देना होता है, इसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो कि जांच करेगी। अब वो जांच करने के बाद वो अपनी जांच है वो सौंप देगी जो भी रिलेटेड, मतलब लोकसभा है लोकसभा को या फिर राज्यसभा, तो राज्यसभा को। इस जांच कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होता है, मतलब जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा में जितने मेंबर है उनका 2/3 से पास करवाना है, राज्यसभा में तो 2/3 से पास करना है। इसके बाद दोनों सदनों से, जैसे कि अभी राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आया गया है तो पहले तो राज्यसभा में 2/3 से मेजोरिटी से पास करवाना होगा, इसके बाद उसी को लोकसभा में भेजा जाएगा, तो लोकसभा में भी उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया है
वो पूरी करते हैं। तो अभी बात ऐसी है कि इसको कई बार तो कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली हवा दी जा रही है, जो अपोजिशन है वो अपने फायदे को देखते हुए इस मामले को फालतू में तूल वगैरह दे रहा है। पर देखो मेन बात है कि काफी गलत बात है हमारे देश की जुडिशियरी के लिए कि न्यायपालिका वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र है, न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। मतलब बात है कि जज वो प्रॉपर ढंग से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब देखो ऐसे मामले में उनके ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर तो बनी जाता है ना, मतलब उनको डर रहता है तो अपनी कहीं ना कहीं वो आपस में एक तरह से आप बोल सकते हो कि ढंग से डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले को मीडिया से भी दूर रखना चाहिए। इसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट वगैरह था तो हमने जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसके बारे में पूरे पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे जाने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है वो अभी आयोजित हुई थी लंदन में, 25वीं मीटिंग थी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा है वो लिया था। तो थोड़ा एक तो हम कॉमनवेल्थ जो नेशन है इनके बारे में जान लेते हैं, इसके साथ थोड़ा मीटिंग के बारे में पॉइंट है वो देखेंगे। देखो जो CHOGM की जो मीटिंग हुई थी अभी लंदन में हुई है, 25वीं मीटिंग थी, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम ये है टुवार्ड्स ए कॉमन फ्यूचर, टुवार्ड्स ए कॉमन फ्यूचर है। अब इस मीटिंग में क्या कर रहा हूँ, इस मीटिंग में सारे मुद्दों को डिस्कस किया गया था, मतलब सभी तरह के मुद्दे जैसे कि आपस में रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए क्या स्टेप उठाने हैं, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए हम कैसे स्टेप उठा सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए हम फंडामेंटल राइट्स के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके साथ ही फ्री ट्रेड को आगे इम्प्रूव करना है तो उसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, सारी चीजों पर आगे फोकस है वो मेनली किया गया था। अब आगे यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब राष्ट्रमंडल के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। देखो राष्ट्रमंडल है वो एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली चीज तो हमें यही ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था एक्चुअली लंदन डिक्लेरेशन के बाद, 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुई थी उसके बाद इसका निर्माण है वो किया गया था। रिसेंटली इसके 54 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अफ्रीका के कंट्रीज इसके मेंबर हैं, एशिया के कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं, अमेरिका के कंट्रीज इसके मेंबर हैं, यूरोप के कंट्रीज भी मेंबर हैं और पैसिफिक के एरिया के कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। तो ये चीज थोड़ी मैं यहाँ पे ध्यान रखनी, यूपीएससी पूछ सकती है कि ओनली अफ्रीका और या ओनली एशिया के मेंबर वगैरह है। देखो मेनली इसके जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के मेंबर वही कंट्रीज है जो एक्चुअली किसी टाइम पे ब्रिटेन की या यूके की कॉलोनी वगैरह रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर तरह से स्वतंत्र है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी सोनेटी को वायलेशन वगैरह करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इनकी मीटिंग हुई थी 25वीं, जिसमें हमने देखा कि जो कॉमनवेल्थ के हेड है वो आपस में मिले थे, तो ये चीज थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है CWC के बारे में, केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। तो इसके बारे में तो हम जान लेते हैं, यह एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका मेन काम यह है कि केमिकल वेपन्स हैं उनको बैन करना, इसी के साथ जो केमिकल वेपन बना लिए हैं जिस भी कंट्री ने उनको डिस्ट्रॉय करे। क्योंकि देखो केमिकल वेपन होते हैं उनका काफी बड़ा नुकसान होता है, उनके उनसे बहुत बड़ी तबाही होती है और इन्वायरमेंट को भी बहुत भारी नुकसान होता है। अभी हमने देखा था सीरिया में केमिकल वेपन का यूज किया था तो वहां पे काफी जो लोगों की जाने गई थी और इन्वायरमेंट भी बहुत बुरा इंपैक्ट है वो पड़ता है। तो इसीलिए केमिकल वेपन का यूज ना किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, उसके लिए केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो आई थी। और सबसे बड़ी बात इसकी ये ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट है, उसने इसको 1992 में एक्सेप्ट तो कर लिया था, इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आई थी वो थी 1997 में। इंडिया इसका मेंबर है, ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसका काम भाई इसको देख रहे हैं कि इसका काम इम्प्लीमेंट करने का वो करता कौन है, वो करती है OPCW। OPCW क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब भी OPCW है ये एक्चुअली जाके जो भी कंट्रीज के मेंबर हैं वहां पे वेपन्स वगैरह वो बैन करता है, अगर किसी ने वेपन बना लिया तो उनको डिस्ट्रॉय वगैरह करने का सारे काम इसके द्वारा किया जाता है। दो तीन फैक्ट ये ध्यान रखना कि जैसे इजिप्ट हुआ, मिस्र हुआ, नॉर्थ कोरिया, फिलिस्तीन और साउथ सूडान है ये इसके मेंबर वगैरह नहीं है, तो ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि ये मतलब फिलिस्तीन तो न्यूज में रहता है तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसका मेंबर है वो नहीं है। तो ये तो थी आज की हमारी न्यूज, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है वो है एक्चुअली नॉर्डिक कंट्री के बारे में, सॉरी नॉर्डिक कंट्री के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है वो मेरा है यहाँ पे आयरलैंड, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो आता है डेनमार्क, और चौथा आता है वो फिनलैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। देखो इसका मेंबर कौन ही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसे हमने कल ही डिस्कस किया तो इसका आंसर अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमने कल ही डिस्कस किया था, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको ये बताना है कि कौन जारी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे जारी कर सकते हैं, या हाई कोर्ट इसे जारी कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन इसे जारी कर सकता है, फिर तीनों जारी कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे
बताना है। तो देखो कंटेम्प ऑफ जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, कंटेम्प ऑफ कोर्ट का जो काम है वो एक्चुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें कंटेम्प ऑफ कोर्ट है वो जारी नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कल ही डिस्कस किया था कि कंटेम्प ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो न्यायपालिका की जो जुडिशियरी है उसकी अवमानना है, उसका उसके जो बताए हुए मतलब जो उसने आदेश दिया है उसका उल्लंघन करना, या फिर उसकी जुडिशियरी के कार्य जुडिशियरी का जो काम है उसमें बाधा डाला जाता है, तब जुडिशियरी कंटेम्प ऑफ कोर्ट है वो जारी करती है कि भाई इस आदमी को आप अरेस्ट कर लीजिए या इसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह की जाए। तो इस तरीके का कंटेम्प ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर वो होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है ई सनद के बारे में, जो हमने कल डिस्कस किया। ई सनद के बारे में आपको बताना है कि यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, पहला स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया पोर्टल है। तो आपको बताना कि कौन सा है। पहला तो ये है कि भैया कि ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। दूसरा है कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो देखो पहला स्टेटमेंट हो तो बिल्कुल बिल्कुल आपको पता ही है सही है या गलत, एक बार सोच लीजिए आप। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि नीति आयोग का पोर्टल नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है कि यह पोर्टल है किसका। यह पोर्टल है मेनली HRD मिनिस्ट्री का, जिसका काम यह था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको ऑनलाइन वेरीफाई और सबमिट वगैरह किया जा सके, जिसके बारे में हमने कल ही देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ई संवाद के बारे में, ESAMVAD। तो ई संवाद के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का यह एक पोर्टल है। दूसरा यह है कि इसका मेन काम यह है कि भाई जो भी वुमेन के खिलाफ इश्यूज हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, या उन जो भी अपनी कंप्लेन वगैरह वो यहाँ पे दर्ज करवाई जाए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का यह एक पोर्टल है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस पोर्टल का मेन काम यह है कि जो भी डिफरेंट एनजीओ है हमारे देश में, या फिर जो सिविल सोसाइटी है जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ काम करती है, वो अपना फीडबैक देंगी यहाँ पे कि भाई उन्होंने किस तरीके से काम किया, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, वो सारे काम किए जाएंगे, ना कि यहाँ पे वुमेन हो कंप्लेन दर्ज करवाने की। तो ये ध्यान रखना कि फीडबैक पोर्टल है, अपने सजेशंस देंगी, ग्रेवांसेज वगैरह या अपने जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यहाँ पे शेयर है वो की जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने यूपीएससी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है वो है कि भारत है वो ईस्ट एशिया समिट का फाउंडिंग मेंबर है, मतलब भारत ईस्ट एशिया समिट का संस्थापक सदस्य है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 2017 में इसका जो मीटिंग थी, इसका जो समिट था वो एक्चुअली फिलीपींस में आयोजित वो किया गया था। तो देखो पहला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है कि भारत ईस्ट एशिया समिट का संस्थापक सदस्य है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 2017 में ईस्ट एशिया समिट की जो मीटिंग या समिट हुआ था वो एक्चुअली फिलीपींस में हुआ था। तो इस तरीके की ये तो थी हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।